पूरा चैप्टर ही हमारा टीआर बेस है। टीआर मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हमने छह जाने थे नंबर्स में, कि नहीं सिक्स एंड छह, साइन कॉस टेन कोट सेट एंड लास्ट वन इज कोसेट। इतना भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, साइन के बाद कोई भी आए, ए आए, बी आए, थीटा आए, बीटा आए, अल्फा आए, कुछ भी आए, वो सभी क्या होते हैं? एंगल। जैसे साइन थीटा है, तो थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल। और साइन क्या है यहाँ पे? टी आर। टी आर मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हमें इतना जानना है, जब भी हम थीटा की वैल्यू चेंज करें इन विद रेस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं, वी नो दैट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ। यदि हम कार्टेशियन प्लेन पर देखें पूरे पर, ये हमारा बाई एक्सिस, ये एक्स, y डैश, y डैश, x, x डैश। जहाँ डैश होते हैं माइनस नंबर होते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन हमें इसमें इतना नहीं जानना। ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है जहां से कोई चीज शुरुआत हो रही हो, जहां से कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही हो। जब ओरिजिन यहां से जीरो, जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू हमारी अप होती चले, यानी प्लस होती चले। इट मींस हम जानते हैं पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। तो वन क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90, 90 प्लस 90 180, प्लस 9 270, प्लस 9 360। लेकिन हमें जानना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो 90 होता है। इट मींस इन क्वाड्रेंट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, यानी जो एंगल है यानी थीटा है वो यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा। इसमें 0 से अब जा रहे हैं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये हमने जान लिया। इतना ही हमें इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना? देखिए ध्यान से, इसमें हमें क्या पढ़ना है? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें इन सब के आगे वैल्यू ला दीजिए, यानी साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा को मीन है ऐसी वैल्यू 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है। और ऐसे जो ऐसा एंगल होता है उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्लास 9 चैप्टर 6 में हमने जाना था, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, लास्ट वन इज कोसेक 90 माइनस थीटा। हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें जाना था साइन का अपोजिट होता है वन अपॉन कोसेक, यानी अब हमें इसमें साइन अब किस में बदल रहे हैं? साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कोट में, कोट चेंज होता है टेन में, सेक होता है कोसेक में, कोसेक होता है सेक में। प्रीवियस वीडियो से कंफ्यूज नहीं होना है, वो अपोजिट का वैल्यू अपोजिट, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा बदलेगा कोस थीटा में, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, एंड sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। कैसे? अभी जानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यदि हम लिखें sin 90 माइनस 30, तो इसका मतलब sin 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब एंगल, थीटा मींस एंगल, तो साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा इनटू कोस थीटा में, यानी
साइन 90 माइनस एंगल मीन्स कोस एंगल, एंगल क्या है हमें 30, कोस 30, कोस 30 क्या वैल्यू होती है रूट 3/2, या वैल्यू आप सब देखना बराबर है नहीं है, देख लेते हैं साइन 90 माइनस 30 साइन 60 होता है, साइन 90 माइनस 30 साइन 60, और साइन 60 वैल्यू यानी साइन 60 वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, इट मींस यानी ये सारे इसी तरह हमें चेक कर लेंगे सारे फॉर्मूले फिट बैठेंगे और इन्हीं के आधार पर हमारी 8.3 है। अब हम 8.3 तब चलेंगे, 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट, इवैल्यूएट फर्स्ट में क्या है साइन 18 यानी साइन 18 अपॉन cos 72 cos वेक्टर, इवैल्यूएट मींस हमें सीधी वैल्यू बतानी है, जैसे हम देख रहे हैं आंसर बनाने वाला है इसका, क्यों अभी हमने जाना है sin 90 माइनस थीटा, किसी भी एक को बदल दो सेम आ जाएंगे, वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ sin 90 माइनस 72, sin 90 माइनस 72 sin 18 आएगा, 90 में से जब भी माइनस 72 होगा तो sin 18 ही तो बचेगा, यानी अभी भी इट मींस सेम है, डेनोमिनेटर सेम है cos 72, sin 90 माइनस थीटा भी हमने जाना क्या होता है cos थीटा, यानी cos थीटा क्या आएगा 72 अपॉन cos 72, यानी इफ वी डिवाइड सेम नंबर बाय सेम नंबर देन द रिजल्ट इज ऑलवेज 1, तो यहां आंसर क्या है 1। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, पहले का दूसरा हिस्सा दूसरा भाग, tan 76 अपॉन cot 64, तो सेम है कुछ भी बदलाव नहीं है इसमें, या यहां हमने एक चीज जानी जो न्यूमरेटर था वो चेंज किया, जरूरी नहीं आप न्यूमरेटर बदलो, न्यूमरेटर बदलो डेनोमिनेटर बदलो बात सेम आनी है, देखिए इसलिए तो सेम tan 90 माइनस 64, 90 में से माइनस होगा 64 तो आप कितना आएगा 26 एंड 26 आएगा अपॉन cot 64, सेम है tan 90 माइनस थीटा इट मींस cot थीटा cot 64 अपॉन cot 64, सेम रेट आंसर बन, सेम नंबर से सेम डिवाइड है आंसर बना थर्ड पोर्शन। cos 48 माइनस sin 42 कुछ भी चेंज नहीं है माइनस जीरो हो जाएगा, देखिए कैसे हमें क्या इसमें किसी भी एक को बदल दो, हमें से cos 90 माइनस 42 यस वी कैन राइट दिस इन द वी कैन राइट cos 48 इन द फॉर्म ऑफ cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42, अभी हमने जाना cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा sin 42 माइनस sin 42, इफ वी सबट्रैक्ट सेम नंबर बाय सेम नंबर देन द रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो, लास्ट वन ही फोर्थ वन cosec 31 cosec 31 माइनस sec 59 सेम है एज अ प्रीवियस क्वेश्चन, वी कैन राइट cosec 31 इन द फॉर्म ऑफ cosec 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 31 माइनस sec 59, नाउ cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा यानी sec 59 माइनस sec 59, सबट्रैक्ट सेम नंबर बाय सेम नंबर देन रिजल्ट इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट यानी हमें ध्यान आया हमें तो एक तरह से प्रूव करना है, फर्स्ट वन है पहला दिया हुआ है इसमें tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67
यानी हम शो करना है जो ये लेफ्ट LHS वैल्यू है उसे RHS वैल्यू के बराबर लाना है, सेम ही लाना है। देख लेते हैं, हमें इनमें ऐसा रिलेशन देखना होता है, संबंध देखना होता है किसी तरह 90 हो रहे हो। तो यदि हम देखें 48 + 42 90 हो रहे हैं, यानी एक साइड लिखिए 10 48 10 48 into 10 42 और 23 + 67 ये 90 हो गए, 10 23 into 10। हमें कुछ भी नहीं बदला अभी, सिर्फ जो नंबर है वो एक्सचेंज किए, इंटरचेंज किए इस तरह से। अब हम जान अभी हमने जाना इन किसी में से बदल दो, पहला 10 90 - 42 90 - 42 42 बचेगा इनटू 10 42। अब दो में सवाल दो, 10 90 - 67 23 बचेगा इनटू 10 67 इक्वल वाइज ये लाना है। 10 90 - थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा क्या है यहाँ पे 42 इनटू 10 42 ऐसे ही 10 90 - थीटा कॉट थीटा कॉट 67 इनटू 10 67 इक्वल वन। किसी भी तरह हम जानते हैं कोट और टेन आपस में कैसे उल्टे होते हैं, जब कोट और टेन आपस में उल्टे हम जानते हैं टेन इक्वल होता है 1/cot और कोट इक्वल होता है 1/tan, यानी वी कैन राइट कोट 42 इन द फॉर्म ऑफ 1/tan 42 इनटू 10 42 इनटू कोट 67 इनटू 10 67 लिख दो 1/cot 67 बराबर। यानी जरूरी हम कैसे बोल रहे हैं, इनमें से चाहे जिस वैल्यू को बोल दो 10 42 आपस में कैसे cot 67 आपस में कैसे क्या बचा 1 × 1 = 1 बचा 1 = 1 यानी LHS = RHS। हमें क्या लाना था, यही लाना था, सो करना था, बनाना है। पहला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 sin 52 इक्वल 0। यानी हमें ये वैल्यू LHS इक्वल 0 लाना है। देखिए हमें सबसे इसमें किसी भी तरह सारे एंगलों को सेम बना लो, सारे एंगल सेम बना लो। देख लेते हैं, बदल दीजिए फर्स्ट वन में cos 90 - 52 इंटू cos 52 यानी हमें एक वैल्यू चेंज की माइनस sin 90 - 52 इंटू sin 52। हमने सिर्फ और सिर्फ सारे वैल्यू जिससे सेम आ रहा है बदल दिया, cos 90 minus theta sin theta theta है यहाँ पे 52 into cos 52 minus sin 90 minus theta cos theta cos 52 into sin 52 equal 0। अब यहाँ यदि हम ध्यान से देखें sin 52 cos 52 यानी अब दुनिया की कोई भी दो नंबर संभाल ले रहे हैं और यहाँ वैल्यू है तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। यानी यदि हम एग्जांपल लें, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, 2 × 3 sin 52 2 माने cos 52 3 माने, ऐसे ये sin 52 माने 2 × 3 माने 2 × 3 = 6 माइनस का जीरो आएगा, यस नो, यस जीरो आएगा, बहुत अच्छे। इट मीन्स इन दोनों कार्ड में क्या आया फाइनल आंसर, जीरो, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, If tan 2a equal cot a minus 18, यदि tan 2a equal cot a minus 18,
वेयर 2a इज एन इक्विटेबल. 2a क्या है? एक्यूट एंगल. हमें a इक्वल फाइंड आउट करना है. एक्यूट एंगल हमें बताया था एक ऐसा एंगल जो जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा हो. अच्छा, इसमें अभी दूसरे सवाल में तुम्हें बताऊं यहीं पे तुम्हारा और ही तुम्हें मुझे आंसर दे रहा हूं. देखो, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बनता है cos cos a cos b minus sin a sin b, यानी cos a plus b का फॉर्मूला है. cos a plus b का फॉर्मूला है, यानी कैसे हमारा फॉर्मूला होता है. यहाँ देखना ध्यान से, बहुत अच्छी बात. जब तुम्हारा एमसीक्यू यदि आ जाए तो एमसीक्यू में आपको एक पूरा सॉल्व ना करके आपको यदि पूछी जाए कि जीरो ना दिया हो और तुम्हें इसकी वैल्यू पूछा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ देना. फॉर्मूला होता हमारा cos n plus p बराबर cosn cos p माइनस sin n sin p. देखिए कैसे, cos n plus p, cos n कितना दिया हुआ है 38 प्लस 52 कितना आया, cos 38 प्लस 52 90 हुआ और cos 90 वैल्यू 0, यानी ऐसे भी आपका 90 जीरो आ जाता है, यानी बहुत ओवरली हो गया. ये तो मैंने तुम्हें समझाया है, आप सीधा सीधा जोड़ा. आपने देखा है फॉर्मूला बनाया है cos a cos b minus sin a sin b cos a plus b का, a plus b हमने जोड़ा, a 38 plus b 52 बन जो है 90, then cos 90 वैल्यू बिन हो जाए, the value of cos 90 equal to 0, then the value is 0. Now, return on the question number 3, if tan 2a equal cot a minus 16, where 2a is an acute angle, find the value of a. देखिए ध्यान से, यानी जब हमें दिया हुआ है जो 2a है वो एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल मींस 90 से छोटा और 0 से बड़ा. यस, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. हम जानते हैं, वी नो दैट cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा. तो हम वी कैन राइट tan 2a इन द फॉर्म ऑफ cot 90 माइनस 2a. इट्स ओके इफ वी राइट cot tan 2a इन द फॉर्म ऑफ cot 90 माइनस 2a, देन द वैल्यू इज सेम. Because we know that cot 90 minus theta equal to tan theta. So, cot 90 minus 2a equal cot a minus 18. Where? क्या बचा हुआ? 90 minus 2a equal a minus 18. Now, we can write, यदि हम minus 18 तो left side में आए तो plus हो जाए. Yes, बहुत अच्छे से जानते हैं. बहुत अच्छे. Equal. Right hand पे a बचा plus था. Very good. माइनस टू ए जो हम प्यारे बच्चों राइट हैंड पे ले जाएंगे तो ये भी हमारा प्लस हो जाएगा. यस नो यस. अब हमने बड़ी सिंपली किया, 90 प्लस 18 हुआ 108 इक्वल 2a प्लस a 3a, 3 से काटा 36. प्यारे बच्चों यही तुम्हें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a को लाया 36. क्वेश्चन नंबर 3 प्लस होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a इक्वल cot b, इफ tan a इक्वल cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल 90. बहुत ज्यादा हल्का सवाल है, बहुत आसान है. a प्लस b इक्वल 90 हमें ये शो करना है, प्रूव करना है. देख लेते हैं. हम जानते हैं cot b, यानी हमें दिया हुआ tan a इक्वल cot b, a plus b equal 90 दिया हुआ है. बहुत आसान हो जाएगा, देख लेते हैं. हम लिख सकते हैं इसे cot 90 minus a, because in every question we learn cot 90 minus angle, it means cot 90 minus theta equal tan theta, then we can write tan a in the form of cot 90 minus a equal cot b, then cot to cot 1, therefore 90 minus a equal b. If b, अब हम जो a है यदि हम इसे राइट हैंड पे ले जाएं क्या आएगा, b plus a minus change into plus. हम जानते हैं प्लस तो बराबर से दूसरे पर लेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ले जाएंगे स्क्वायर रूट, इसी तरह हमारे चेंज हो जाएंगे. अब क्या है ये हमें प्रूव करना है. अब तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेट 4 यदि सेट 4 इक्वल कोसेट a माइनस 20,
where 4a is an acute angle, find the value of a. 4a क्या है यहाँ पे? एक्यूट एंगल, और ए आपको फाइंड आउट करना है. सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा 3 जैसा है, देख लेते हैं. अब जब हमें पता है 4a का एक्यूट एंगल, तो वी कैन राइट सेट 4a इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज़ वी हैव लर्न इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास, सेट चेंज इनटू कोसेट इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस एंगल, देन वी कैन राइट सेट 4a और ए इक्वल टू कोसेट 90 माइनस 4a, देन इक्वल कोसेक a माइनस 20. सेट 4a चेंज इनटू कोसेक 90 माइनस 4a. हमने जब शुरुआत हुई थी क्लासिक तब हमने जाना था सेट 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक कोसेक 1 हो जाएगा. क्या बचा हमारे पास? 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20. अभी यानी जो ए वाले उन्हें एक साइड कर लो, बी नंबर के एक साइड 90 माइनस 20 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 20 इक्वल ए प्लस माइनस 4a बराबर से राइट हैंड पे जाएगा प्लस 4a, यानी 90 प्लस 20 यानी 90 प्लस 20 हुआ 110 इक्वल 5. 5 से काटा कितना हुआ? इक्वल आ गया आपका 22. ये की मिलवा दी हमें. अभी क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, देन शो दैट sin b plus c by 2 equal cos a by 2. यानी हमें दिया हुआ है abc क्या है? इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, इट मींस एंगल सम प्रॉपर्टी a plus b, एंगल a plus b plus c equal 180, यानी दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब हमने a plus b plus c equal 180 लिखा है, तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, टू प्रूव करना हमें साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी बाय टू इक्वल कॉस ए बाय टू, कॉस ए बाय टू. देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, वी कैन राइट बी प्लस सी इक्वल 180, ए को इधर ले जाओ माइनस ए. अब वी कैन डिवाइड बाय बोथ साइड. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कोई भी दो नंबर इक्वल है, उन दोनों नंबरों में यदि आप बराबर प्लस करो तो भी बराबर होंगे, बराबर माइनस करो तो भी बराबर होंगे, बराबर मल्टीप्लाई करो तो भी बराबर होंगे, बराबर डिवाइड करो तो भी बराबर होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा 2 इक्वल 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है? मल्टीप्लाई 3, अब ये 6 हुआ, ये भी 6 हुआ, इसमें डिवाइड करो बाय 2, ये 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, यानी हर हाल में एक सारे नंबर आपस में बराबर आते. तो इफ वी डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, बात यहां भाई साहब दो सी बात कर दिया है हम, जो हमें रेल चलाना उसके हिसाब से चलना है b plus c by 2. अब इतना होने के बाद हम लिख सकते हैं इसे b plus c by 2 equal 180 divided by 2 90 minus a by 2. अब multiply by sin on both sides, जैसे यहां लिखा है डिवाइड बाई टू ऑन बोथ साइड, मतलब ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई साइन ऑन बोथ साइड, कीजिए मल्टीप्लाई साइन से, साइन रवि साइन से मल्टीप्लाई, साइन बी प्लस सी बाई टू एज इट इज लिखिए, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाई टू, यही हमें लाना था. ये क्यों होता है? एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, यानी 0 और 45 के बीच में हमें लाना है. ले आते हैं, यानी जो एंगल आना चाहिए वो बिटवीन आना चाहिए, एंगल मान लेते हैं मान लो थीटा, वो 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए और 45 से
छोटा आंसर देख लेते हैं. वी कैन राइट साइन 67 इन द फॉर्म ऑफ साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15. If we subtract 23 from 90, then the rate is 67. And if we subtract 15 from 90, then the rate is 75. Therefore, we know that sin 90 minus theta equal cos theta plus cos 90 minus theta sin theta. Now, we can say that theta means angle is between 0 and 45. Yani, jo 23 hai, wo bhi 0 45 bhi chala hai. और 15 है वो भी 0.45 के बीच में आता है. यहाँ आपकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 8.3 वो समाप्त होती है. और पहली वीडियो को देखें, लास्ट एक्सरसाइज बहुत जल्दी आने वाली है. लेट्स ओके.